तो दोस्तों आगे आपको देखने को मिलेंगे टाइम ट्रेवल से जुड़े कुछ सच्चे सबूत और वीडियो क्लिपिंग्स, जिसे देखने के बाद आप भी यकीन कर लेंगे कि समय यात्रा महज एक कल्पना नहीं है, बल्कि समय समय पे हमें इसके सबूत भी मिलते रहे हैं। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं आरटीवी और ये है टाइम ट्रेवल एपिसोड नंबर 3। दोस्तों पहला वीडियो है सन 1995 माइक टायसन के बॉक्सिंग मैच का। इस मैच के दौरान एक व्यक्ति के हाथ में बड़ा अजीब सा डिवाइस देखने को मिला और इस व्यक्ति को देखने पर यह लगता है कि यह व्यक्ति मैच को रिकॉर्ड कर रहा था और वो भी एक स्मार्टफोन से। दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जब 1995 में स्मार्टफोन इन्वेंट ही नहीं हुए थे तो इस व्यक्ति पर यह फोन आया कहां से। इसे देखकर यही लगता है कि यह व्यक्ति एक टाइम ट्रेवलर हो सकता है। दोस्तों अगली क्लिपिंग है लापास बोलिविया में हो रहे फुटबॉल मैच की। इस मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिस पे लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। दोस्तों ये एक इंसान की परछाई थी जो कि बिजली की तेजी से लोगों के बीच में से निकल गया बिना किसी रुकावट के। तो दोस्तों आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई इंसान इतनी तेजी के साथ लोगों और बैरियर्स के आर पार जा सके। दोस्तों विशेषज्ञों का मानना है कि जब कोई व्यक्ति टाइम ट्रेवल करता है तो उसके रास्ते में कोई भी चीज नहीं आती, यानी कि जैसा यहाँ हमने अभी देखा। ये हमें यह सबूत देता है कि यह व्यक्ति टाइम ट्रेवलिंग कर रहा था। कई लोगों का मानना था कि यह वीडियो फेक है, लेकिन दोस्तों ये एक लाइव कैमरा फुटेज है, तो आखिर ये फेक कैसे हो सकती है। दोस्तों अगली क्लिप है चार्ली चैपलिन की 1928 की मूवी द सर्कस। इस फिल्म के दौरान कुछ ऐसा हुआ था जिसने लोगों को इस पिक्चर की ओर आकर्षित किया, क्योंकि इस फिल्म के दौरान एक ऐसा सीन था जिसमें ये लेडी फोन पर बात कर रही थी। इसने फोन तो बिल्कुल उसी तरह पकड़ा हुआ था जैसे आज हम फोन पकड़कर उस पर बात करते हैं, लेकिन इस महिला का फोन पर बात करना एक बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि दोस्तों सन 1920 तक फोन का आविष्कार भी नहीं हुआ था। तो दोस्तों इस सीन को देखने के बाद लोगों का यह मानना था कि ये लेडी एक टाइम ट्रेवलर है। दोस्तों अगली वीडियो को ध्यान से देखें। क्या आपको इसमें कुछ अजीब लगा? चलिए एक बार स्लो मोशन में देखते हैं। क्या आपने वो देखा? दोस्तों ये लोग यहाँ पर एक दूसरे से बात कर रहे थे और एक व्यक्ति इन्हें फिल्मा रहा था, तभी अचानक से इस व्यक्ति के पीछे एक साइकिल पर बैठा हुआ व्यक्ति दिखाई देता है। आखिर ये साइकिल आई कहां से? इसका आंसर आज भी किसी के पास नहीं है। दोस्तों इस वीडियो को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले वाली क्लिपिंग की तरह इसमें भी वही हुआ जो पहले हुआ था। आखिर ये कार आई कहां से? दोस्तों कोई व्यक्ति अपनी कार से रिकॉर्डिंग कर रहा था, तभी अचानक उसके कैमरे में यह इंसिडेंट कैप्चर कर लिया गया, जिसमें साफ साफ ये देखा जा सकता है कि एक कार न जाने कहां से अचानक से रोड पर आ गई। दोस्तों इस वीडियो को आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया है कि आखिर इसमें हुआ क्या था। इस वीडियो में यह व्यक्ति दावा करता है कि यह अपने आप से 2042 में मिल चुका है, यानी कि ये व्यक्ति अपना बुढ़ापा देख चुका है। दोस्तों इस व्यक्ति का नाम हैकन नॉर्थक्विस्ट है और इस व्यक्ति का कहना है कि ये व्यक्ति फ्यूचर में जाके अपने आप से मिल चुका है। आखिर कैसे? कोई व्यक्ति अपने आप से कैसे मिल सकता है, वो भी भविष्य में? दोस्तों इस व्यक्ति का कहना था कि जब यह व्यक्ति अपने किचन में कुछ पाइप्स को ठीक करने गया था, तभी वहां अचानक से एक बहुत तेज लाइट इस पर पड़ी और यह व्यक्ति सन 2042 में पहुंच गया। दोस्तों इस व्यक्ति को यह भी पता था कि इसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, और इसी वजह से इस व्यक्ति ने अपना एक वीडियो भी बनाया जो कि 2042 वाली नाकर नॉर्थक्विस्ट के साथ था। सबूत के तौर पर दोनों ने अपने टैटूज भी इस वीडियो में फिल्माए। इस वीडियो को देखने के बाद विशेषज्ञों का मानना था कि यह मुमकिन हो सकता है, लेकिन यह अभी तक साफ नहीं हुआ कि आखिर कैसे।
दोस्तों अगली वीडियो क्लिप है एक टाइम ट्रेवलर थीफ की। ये एक शॉप के बाहर की सीसीटीवी कैमरा फुटेज है जो कि फिलहाल के लिए बंद है। अब आप आगे जो भी देखेंगे उस पर आपको विश्वास नहीं होगा। दोस्तों ये व्यक्ति दुकान का गेट बंद होने के बावजूद इस गेट के आर पार चला गया और जैसे ही अंदर जाता है सीसीटीवी कैमरा के डेट में लगातार हरकत होने लगती है। यह डेट कभी 2016 तो कभी 2019 में बदलती रहती है। लेकिन जब यह व्यक्ति शॉप से बाहर आता है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सीसीटीवी भी सही तरीके से काम करने लगते हैं। दोस्तों जो व्यक्ति दुकान के बाहर बैठा था वो भी इस घटना को देखकर चौंक जाता है। तो दोस्तों इतने सारे सबूतों को देखने के बाद हम ये मान सकते हैं कि टाइम ट्रेवल आने वाले समय में जरूर मुमकिन हो सकेगा। क्योंकि दोस्तों अगर ये सभी टाइम ट्रेवलर भविष्य से भूतकाल में आ सकते हैं तो हम भी एक दिन समय यात्रा जरूर कर सकेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के रहस्यमय वीडियोस आपको इस पर मिलते रहेंगे।